नमस्ते, गुड इवनिंग। तो आज हमारी एक नई जर्नी चालू हो रही है, जिसमें हम काफी मेडिकल हिस्ट्री के रिलेटेड हम एक बुक को पढ़ने वाले हैं, बुक रीडिंग करने वाले हैं। बेसिकली ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन हम साथ में इसको हिंदी में भी समझेंगे कि ये बुक से हमें क्या सीखने को मिलता है। खास करके जो होम्योपैथ थे उनको काफी ये बुक की नॉलेज काफी यूज में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुक है द बायोलॉजी ऑफ ट्रांसेंडेंस, ब्लू प्रिंट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट बाय जोसेफ चिल्टन पियर्स, ऑथर ऑफ द क्रैक इन द कॉस्मिक एग। कॉस्मिक एग तो बुक की शुरुआत में एक कुछ लाइन है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। इन मेमोरी ऑफ ल्यूस जैन व्हाइट हेड और लॉस्ट एंड बाय द वाइंड ग्रीव कॉस्ट कम बैक अगेन बाय थॉमस वॉल्फ। तो इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हुई है, इन मेमोरी ऑफ ल्यूसी जैन व्हाइट हेड और लॉस्ट एंड बाय द वाइंड ग्रीव कॉस्ट कम बैक अगेन। खोए हुए और हवा से दुखी भूत वापस आना, ऐसा लिखा हुआ है। और बाद में कंटेंट से बेसिकली ये बुक थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आएगा एक्नॉलेजमेंट्स, देन इंट्रोडक्शन एंड देन पार्ट वन नेचर्स ट्रांसेंडेंट बायोलॉजी। उसके बाद पार्ट टू एनाटॉमी ऑफ एविल एंड बाद में है पार्ट थ्री बियॉन्ड एनकल्चरेशन। तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट्स, ये है जोसेफ चिल्टन पियर्स। वी विथ ग्रेटिट्यूड टू ल्यू चिल्डर एंड स्टाफ ऑफ हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट फॉर देयर वार्म फ्रेंडशिप, ब्रिलियंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आई ओ देम much of the brain heart information and most of the illustrations and diagrams used in this book। तो इनमें जो भी डायग्राम आएगा वो मैं पावर पॉइंट के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा, और वो सब ज्यादातर हार्ट मैथ इंस्टीट्यूशन के स्टाफ की बदौलत हमें मिला है। तो उसके लिए वेरी 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 थैंक यू। द सिद्धा योगा फाउंडेशन एंड माई टीचर्स मुक्तानंदा एंड गुरु माई फॉर गिविंग मी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्ट एज ओनली ग्रेट बींग्स कुड, एज वेल एज ईयर्स ऑफ रिच एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट नो साइंस कुड डिस्कवर नॉर बुक्स प्रोवाइड। तो उन्होंने अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड दिया हुआ है कि जिन्होंने उनको हार्ट के बारे में अंडरस्टैंड करवाया। मारिया पोलाविटो एंड एंटोनियो डी निकोलस फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द कंसेप्ट ऑफ बायोकल्चरलिज्म, माइकल मेंडिजा एंड हिज टच द फ्यूचर फाउंडेशन फॉर लॉन्ग फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट, डेविड सिपलेने स्पिलेने फॉर हिज स्टिम्युलेटिंग द माइंड एंड एंडलेस जेनरोसिटी विथ बुक्स आर्टिकल्स क्लिपिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, थॉम हार्टमन फॉर हिज जेनरस हेल्प एंड सजेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू बीयर एंड कंपनी एंड फॉर ब्रिंगिंग टू अस रॉबर्ट वॉल्फ्स ओरिजिनल विजडम एंड एपिलॉग, केथ बेजल फॉर शेयरिंग हिज इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर हिज कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर, ब्रूस लिप्टन फॉर हिज ब्रिलियंस एंड नॉलेज
high spirited generosity, endless energy on our behalf, and for being fun to work with. James P. Cass for his wonderful books that unhinged my uncomfortable notions time and again. Gil Bailey for his book Violence Unveiled, which marked a turning point in this book of mine. Cheryl Canfield for her book Profound Healing and for helping me personally to come to terms with the tall talking of Father Time. Alan Shore for his monumental work, Affect Regulation and the Origin of Self, from which I have liberally stolen. George Jader for his insight into culture and enculturation. Charles Shives and Greg Corbon for their parent readings and constructive criticisms of several early drafts of this book. Matthew Fox, not only for his books on Eckhart and the Begins, but especially for Original Blessing, a great testament to the human spirit. Finally, a very special thanks to Elaine Sanborn for her prodigious editing efforts on behalf of this book, a task that would have daunted lesser souls. तो ये एक्नॉलेजमेंट है. अब इंट्रोडक्शन. लुकिंग अप एट द स्टारी स्काई, पोएट वॉल्ट विटमैन आस्ट. स्टारी स्काई को, सितारों के आसमान को देखते हुए वॉट विटमन पूछते हैं, व्हेन वी बिकम द एनफोल्डर्स ऑफ दोज ऑर्ब्स एंड द प्लेजर्स एंड एक्नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इन देम, शैल वी बी सेटिस्फाइड देन. जब हम उन गहनों के धारक बन जाएंगे और उनमें मौजूद हर चीज का आनंद और ज्ञान प्राप्त करेंगे, शैल वी बी सेटिस्फाइड देन, तो क्या तब हम संतुष्ट होंगे. एंड माई स्पिरिट आंसर्ड, नो, वी बट लेवल दैट लिव टू पास एंड कंटिन्यू बियॉन्ड. तब और मेरी आत्मा जवाब देगी, नहीं, हम लेकिन हम उस लिफ्ट को पास करने के लिए, पार करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी लेवल को बढ़ाते रहेंगे. तो हम अब हमें अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाते जाना है. हमें सिर्फ सब ज्ञान प्राप्त नहीं करना है या फिर जो भी उसमें आनंद है, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं, सिर्फ उसको पाना हमारा हायर पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है. हमारी हायर पर्पज ऑफ लाइफ, जैसे हनुमान सर एफोरिज्म नंबर 9 में कहते हैं वाइटल फोर्स के बारे में, कि हम उसका यूज कर रहे हैं फॉर द हायर पर्पज ऑफ लाइफ, वो है हम इसके बियॉन्ड चले जाए. तो ये उसकी पंक्तियां है वॉल्ट विटमॉन्ट की, जो वो स्टारी स्काई को देखते हुए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी. द एबिलिटी टू राइज, तो इंट्रोडक्शन चालू होता है. द एबिलिटी टू राइज एंड गो बियॉन्ड इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड द सब्जेक्ट एक्सप्लोर्ड इन द फॉलोइंग पेजेस. ऊपर उठने की क्षमता और उसके बियॉन्ड, उसके पार जाने की क्षमता है श्रेष्ठता की डेफिनेशन. श्रेष्ठता की व्याख्या क्या है, तो वो है उसके बियॉन्ड चले जाना. हमारी जो क्षमता है उससे ऊपर उठ के उसके आगे बढ़ जाना, यही है श्रेष्ठता की डेफिनेशन. एंड द सब्जेक्ट, और इन सब जो भी पेजेस आएंगे हम जो पढ़ने वाले, उन सब में इसी डेफिनेशन को बताया जा रहा है. वेल दिस फोर्स
constitutes our nature and fires our spirit. An honest exploration of it must contend with these counter questions. जब भी कोई बल हमारे नेचर को बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है और हमारे स्पिरिट को फायर की ओर ले जाता है, यानी कि हमारी आत्मा को झंझोलता है, तब एन ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तब उसकी एक एक ऑनेस्ट यानी कि एक प्रामाणिक उसकी संशोधन होनी चाहिए. मस्ट कंटेंड विद दिस काउंटर क्वेश्चन, और उस जो शोधखोल हम करेंगे उसकी एक ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन हम करेंगे उस चीज की, उसमें ये काउंटर क्वेश्चन के साथ उसमें संतुष्टि आनी चाहिए. वो कौन सा काउंटर क्वेश्चन है? विरोध का क्वेश्चन. व्हाई व्हाई विथ अ हिस्ट्री सो रिच इन नोबल आइडियल्स एंड लॉफ्टी फिलोसॉफीज दैट रीच फॉर द ट्रांसेंडेंट डू वी एग्जिबिट सच एबोमिनेबल बिहेवियर्स. कि हिस्ट्री में इतने इतनी सारी हिस्ट्री में और इतने सारे नोबल आइडियल्स हो चुके जिन्होंने, इतनी फिलोसॉफी है जो श्रेष्ठता को पार कर गई, तो क्या फिर भी हम उस बिहेवियर को एडप्ट कर रहे हैं जो तिरस्कृत हुआ है? अवर अवर वायलेंस टुवर्ड अवर सेल्व्स एंड द प्लानेट इज एन इश्यू दैट ओवरशेडोस एंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ ऑल अवर हाई एस्पिरेशंस. हमारा जो वायलेंस है टुवर्ड अवर सेल्व्स, अपने खुद के प्रति और इस दुनिया के प्रति हमारी वायलेंस, इज एन इश्यू, एक एक प्रॉब्लम है दैट ओवरशेडोस, जो जो इन सबको ढक देता है, उसके ऊपर ओवरशेडो करता है एंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ ऑल अवर हाई एस्पिरेशंस, और हमारे जो भी हाई एस्पिरेशंस है उन सब का उपहास बन रहे हैं हम. हमारी हायर पर्पज ऑफ लाइफ एक डिफरेंट थी और हम एक डिफरेंट जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं. सत प्रेम अ फ्रेंच राइटर इम्प्लांटेड टू इंडिया फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू. सत प्रेम एक एक फ्रेंच राइटर है जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडिया में स्थापित हो गया. ट्रांसप्लांटेड एंड रिसेंटली आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और उन्होंने ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किया. व्हाई आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ मेडिटेशन हैज ह्यूमन नेचर नॉट चेंज्ड वन आयटा. कि इतने हजारों साल के मेडिटेशन के बाद भी, ध्यान के बाद भी, ह्यूमन नेचर एक कण तक, यानी कि एक एक छोटी 1% तक भी वो अपने आप को बदल नहीं पाई. ये मेडिटेशन किस प्रकार का है? तो ये मेडिटेशन है अपनी अपनी लाइफ को देखना, बारीकी से देखना, अब महसूस करना, फिर भी हम अपने आप को 1% भी बदल नहीं पा रहे. उन्होंने ये क्वेश्चन किया, क्यों बदल नहीं पा रहा इंसान, क्यों अपने आप को बदल नहीं पा रहा 1% भी? इन द सेम वे दिस बुक आस्क्स व्हाई. उसी उसी तरीके से, उसी लाइन में ये बुक में लिखा हुआ है कि क्यों बदल नहीं पा रहा, उसी लाइन को जोड़ते हुए, उसके आंसर को जोड़ते हुए, व्हाई आफ्टर 2000 years of Bible quoting, proselytizing, praying, hymn singing, cathedral building, witch burning, and missionizing has civilization grown more violent and efficient in mass murder? उसी तरह इस बुक में क्वेश्चन किया हुआ है कि इतने 2000 साल की बाइबल की quoting के बाद भी, यानी कि 2000 साल बाइबल बन चुके, उसके 2000 साल उसमें जो ज्ञान दिया हुआ है, उन ज्ञानों की कोटेशन के बाद भी, कॉट्स के बाद भी, क्या प्रोसेलाइटिजिंग, कैसे कॉटिंग थे, धर्म विरोधी,
धर्म विरोधी प्रेइंग, उसमें जो प्रार्थनाएं हैं, फिर हिम्न सिंगिंग, उसमें जो स्तोत्र गाए हुए हैं, कैथेड्रल बिल्डिंग, महामंदिर बनाने के बारे में, विच बर्निंग, चुड़ैल को जलाने के बारे में, एंड मिशनाइजिंग, धर्म प्रचारक मंडल, बर ये सब हमारी संस्कृति को इतने साल की बाइबल की अंडरस्टैंडिंग के, 2000 साल की बाइबल की अंडरस्टैंडिंग के बाद भी ये सब बातें, धर्म विरोधी, फिर प्रार्थनाएं, फिर स्तोत्र सिंगिंग, बरोबर, स्तोत्र जो हम हमारे यहाँ बोले जाते हैं इंडिया में, उसके बाद भी कैथेड्रल बिल्डिंग, महामंदिर बन चुके हैं, कितने मंदिर बन चुके हैं, फिर भी ये सब क्या कर रहे हैं? चुड़ैल बर्निंग, यानी कि चुड़ैल को जलाना, एंड धर्म प्रचारक मंडल, ये सब चीजें हमारी मानवता को और वायलेंट बना दिया उसने। एज सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन ग्रोन, इन सब ने सिविलाइजेशन को किस तरफ ग्रो करवाया? वायलेंस की तरफ, मोर वायलेंट एंड एफिशिएंट इन मास मर्डर। मास मर्डर करने के लिए हम इतने एफिशिएंट हो गए, इन सब ने हमें इतना एफिशिएंट बना दिया। क्यों बना दिया? बात है क्यों बना दिया? बना दिया है, लेकिन क्यों बना दिया? हम इसी का इस आंसर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं इस बुक से। इन एक्सप्लोरिंग द इश्यू ऑफ ट्रांसेंडेंस, श्रेष्ठता की जो इश्यू है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जो बात है श्रेष्ठता किसे कहा जाता है, इस बात को हम एक्सप्लोर करने वाले, वी एक्सप्लोर बाय डिफॉल्ट द इश्यू ऑफ आवर वायलेंस, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम अपने वायलेंस को एक्सप्लोर कर लेंगे। द टू आर इंटरट्विंड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अ ग्रेट बींग अपियर्ड सम 2 मिलेनिया एगो, लुक्ड एट अवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विद देयर हायरार्कीज ऑफ पावर, प्रोफेशनल क्लासेस, पॉलिसी मेकर्स, लॉयर्स एंड आर्मीज, एंड ऑब्जर्व दैट वी शुड नो देम बाय देयर फ्रूट्स। तो आजकल पिछले पिछले कई मिलेनिया से ये आ रहा है कि भाई ग्रेट किसको कहा जाता है, तो ग्रेट जिनके जो उसके फ्रूट्स से जाना जाए वही ग्रेट है, यानी कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ग्रेट नहीं हूं। लेकिन ये एक ट्रेंड चला आ रहा है पिछले कई मिलेनिया, 2 मिलेनिया एगो से, ऐसी ग्रेट की परिभाषा है वो चेंज हो गई, और ग्रेट यानी कि जो जो जिसके पास कुछ फ्रूट्स है, जो फला फूला, जिसके पास कुछ है वो ग्रेट है। लॉयर्स, आर्मीज, बड़ा पॉलिसी मेकर्स, प्रोफेशनल क्लासेस, हायरार्कीज ऑफ पावर, पर ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके पास ये सब है वो एक महान है, ऐसा अपीयर हो रहा है पिछले 2 मिलेनिया से। लुक्ड एट अवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विद द हायरार्कीज, हम अपने अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इसको इस तरीके से देखने लगे। दैट इज वी शुड आस्क व्हाट आर द एक्चुअल टेंजिबल रिजल्ट्स ऑफ दिस लॉफ्टी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन बन गए रिलीजियस के, उससे हमें क्वेश्चन ये करना चाहिए कि एक्चुअली हकीकत में इस मूर्त स्वरूप का क्या फायदा हुआ, दैट वी हैव नोन थ्रू आउट हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री में से ये देखते आए कि ऐसे मंदिर, इतने बड़े मंदिर, उतने बड़े मंदिर, इतनी बड़ी जगह में इंस्टीट्यूशन बना दिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसका इस एक्चुअल जो मटेरियल थिंग बनाई, हकीकत में उसका क्या फायदा हुआ, उसके क्या रिजल्ट आए, हमें ये अपने आप को पूछना है।
If we examine them by the fruits they produce rather than by the creeds, slogans, concepts, and public relations that sustain them, we would see that spiritual transcendence and religion have little in common. तो अगर अगर हम उसको एग्जामिन करें, बराबर, ये पूरी हिस्ट्री को, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बने, कैसे बने, क्यों बने, क्या हुआ, अब उसके रिजल्ट्स क्या है, एक्चुअल रिजल्ट्स, अगर हम उसको एग्जामिन करें बाय द फ्रूट्स दैट प्रोड्यूस, कि उन्होंने क्या पैदा किए, अगर हम उसको एग्जामिन करें रादर देन बाय द क्रीड्स, उसके कितने पंथ हुए, स्लोगन्स, उन्होंने क्या क्या स्लोगन दिए, कॉन्सेप्ट्स, पब्लिक रिलेशंस, कि जिन जिनके साथ जिन्होंने उसको सस्टेन रखा, कि कितने लोग उनसे जुड़े, इन सब को, इन इन सब से उसको एग्जामिन नहीं करना है, रादर उसको किससे एग्जामिन करना है, एग्जामिन करना है कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, कैसे फ्रूट्स प्रोड्यूस किए। अगर हम उस तरीके से उसको एग्जामिन करें तो हम देख पाएंगे कि स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस और रिलीजन, इन दोनों में कुछ कॉमन है। द इनफैक्ट ट्रांसेंडेंस मीन्स श्रेष्ठता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और धर्म, इन दोनों में लिटल ही कॉमन है, हैव लिटल इन कॉमन, थोड़ा ही पार्ट कॉमन में है। इनफैक्ट इफ वी लुक क्लोजली, यानी कि अगर आपको आध्यात्मिक आपकी श्रेष्ठता की उन्नत स्थिति की ओर जाना है, तो फिर रिलीजन कम पड़ जाएगा वहां पर, क्योंकि इन दोनों में थोड़ी ही साम्यता है, ज्यादा नहीं है। यानी कि अगर आपको अपने आप को पाना है, अपने आत्मा और परमात्मा की ओर जर्नी आगे बढ़ानी है, तो धर्म वहां पर काम नहीं करता, ऐसा उसका मीनिंग नहीं करता। इनफैक्ट इफ वी क्लू लुक क्लोजली, हकीकत में अगर हम उसको बारीकाई से, नजदीक से देखें, वी कैन सी दैट दीज टू हैव बीन द फंडामेंटल एंटागोनिस्ट इन अवर हिस्ट्री। हम देख पाएंगे कि हम इन दोनों को फंडामेंटली एक दूसरे के विरोधी पाएंगे इन अवर हिस्ट्री, स्प्लिटिंग अवर माइंड इन टू वायरिंग कैंप्स, और जो हमारे हमारे मन को विभाजित कर रहे हैं, किसमें, वॉरिंग कैंप्स, यानी कि लड़ाई के कैंप्स में हमें विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हम नफरत को जन्म दे रहे हैं, ऐसे ऐसा हमें पता चलेगा। तो ये दोनों दोनों काफी डिफरेंट है। हो सकता है कोई धर्म वाला मेरा ये बातें सुन के मेरा भी विरोध करने लगे और वॉर छिड़ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो है मैं उसको हिंदी में समझा रहा हूं। बरो, हम एक बुक रीडिंग कर रहे हैं, किसी के ऊपर लांछन या कुछ नहीं लगा रहे, सिर्फ हम पोज कर रहे हैं अपने आप की, यही हमारा काम है, हायर पर्पोज ऑफ लाइफ हमारी यही है। नाइदर अवर वायलेंस नॉर अवर ट्रांसेंडेंस इज अ मॉरल और इथिकल मैटर ऑफ रिलीजन, ना ही हमारी वायलेंस, यानी कि हमारे अंदर जो जनूनता है, वो जनूनता और हमारी श्रेष्ठता, ये दोनों उन्नत स्थिति, ये दोनों मॉरल और इथिकल मैटर ऑफ रिलीजन नहीं है। रिलीजन में ये कुछ मैटर नहीं करता, बट रादर एन इश्यू ऑफ बायोलॉजी, लेकिन ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ चुके इसकी ओर, साइंस की ओर, कि ये ट्रांसेंडेंस या फिर वायलेंस ही, ये धर्म का पार्ट नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी का पार्ट है। वी एक्चुअली कंटेन अ बिल्ट इन एबिलिटी टू राइज अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इनकैपेसिटी और लिमिटेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एबिलिटी पजेस अ वाइटल एडेप्टिव स्पिरिट that we have not yet fully assessed. We actually contain a built-in ability to rise above restriction. हमारे अंदर पहले से ही वो एबिलिटी पड़ी हुई है जो हमें
अपने बंद जो हमारी लाइफ है उससे बाहर निकाल सके, उससे ऊपर उठ सके, हमारी जो इनकैपेसिटी या लिमिटेशन है उससे हम बाहर ऊपर उठ सकते हैं। ये क्षमता हमारे अंदर पहले से मौजूद है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एबिलिटी, और इस एबिलिटी की वजह से पजेस अ वाइटल एडेप्टिव स्पिरिट, जो हम हनुमान सर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में कहते हैं वाइटल प्रिंसिपल, वाइटल फोर्स, वही बात कर रहे हैं। पजेस इस एबिलिटी की वजह से हम एक अपने स्पिरिट को अपने पास रखे हुए हैं, वाइटल एडेप्टिव स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं वाइटल प्रिंसिपल या वाइटल फोर्स, होम्योपैथी में अलग नेम है, दैट वी हैव नॉट येट फुली एसेस्ड, जिसको हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यही बात होम्योपैथी में दिक्कत है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, वाइटल प्रिंसिपल क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, वो कैसे डिरेंज होता है, उसको ठीक किया कैसे जा सकता है। इस बात को हम साइड बाय साइड साथ में लेंगे, क्योंकि काफी सारे होम्योपैथ इससे जुड़ने वाले हैं और उसको काफी इससे हेल्पफुल होगी पेशेंट की लाइफ को समझने में, पहले अपनी खुद की लाइफ को समझने में, फिर पेशेंट की लाइफ को समझने। वेल दिस एबिलिटी कैन लीड अस टू ट्रांसेंडेंस, पैराडॉक्सिकली इट कैन लीड ऑल्सो टू वायलेंस। अगर हमारे पास ये क्षमता है कि हम अपनी उन्नत स्थिति की ओर चले जाए, हम अपनी अपनी श्रेष्ठता की ओर चले जाए, ऐसी ले जा सकने की ताकत हमारे अंदर है, तो वो ताकत हमें वायलेंस की ओर ले जा सकती है। अगर हम यहाँ पर बीच में हैं और हमारी ये ताकत हमें श्रेष्ठता की ओर भी ले जा सकती है और हमारे वायलेंस की तरफ भी ले जा सकती है, तो ये दोनों तरफ जाने की ताकत हमारे अंदर है हम, लेकिन जो जो दूसरे जैसे मेरे दूसरी जो मैंने नॉलेज ली है अलग अलग बुक से, उसके हिसाब से चाहे हम किसी भी और जाए, हमें तो जाना ऊपर ही है, नीचे होके भी ऊपर जा सकते हैं और डायरेक्ट भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये श्रेष्ठता की ओर जाना हमारी नियति है, चाहे हम नीचे चले जाए फिर ऊपर जाए या फिर डायरेक्ट ऊपर चले जाए, ये हमारा अपना तय किया हुआ रास्ता होगा। हम सीधा सीधा ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाए, तो आवर लॉन्गिंग फॉर ट्रांसेंडेंस अराइजेस फ्रॉम आवर इंट्यूसिव सेंसिंग ऑफ दिस एडेप्टिव पोटेंशियल एंड आवर वायलेंस अराइजेस फ्रॉम आवर फेलर टू डेवलप इट। हमारी जो इच्छा है हम श्रेष्ठता की ओर चले जाए, ये हमारी चाहत हमें हमारी इंट्यूसिव सेंसेस के अंदर से, हमारे इंट्यूशन से आती है कि भाई हमें श्रेष्ठता की ओर चले जाना है, उन्नत स्थिति में पहुंचना है, ये हमारे ट्रांसेंडेंस की जो झंखना है वो हमारे अंदर से आती है। और ये अंदर क्या है, अंदर ये जो पोटेंशियल हमारी स्पिरिट है, हमारी जो ताकत है उससे जन्म लेती है, उससे आ रही है। लेकिन जब, और वायलेंस कहाँ से आता है, तो वायलेंस जब हम उस उन्नत स्थिति को पाने में फेलर हो जाए तब हमारा वायलेंस चालू होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो वायलेंस हो या ट्रांसेंडेंस हो, वो एक ही बात से आया हुआ है कि हम उन्नत स्थिति को पाना चाहते हैं। हम अगर हमने पा लिया तो हमारी ट्रांसेंडेंस चालू होगी, अगर हमने नहीं पाया यानी कि उसमें फेल कर गए तो हमारी वायलेंस स्टार्ट होगी। हिस्टोरिकली आवर ट्रांसेंडेंस हैज बीन साइड ट्रैक, हिस्टोरिकली ये बात मेरी लाइफ में हो चुकी है कि जब मैं अपने आप को उस ट्रांसेंडेंस की ओर नहीं ले जा सका तो वायलेंस स्टार्ट हुई, फिर से अब फिर से जर्नी ट्रांसेंडेंस की ओर चालू होगी। हिस्टोरिकली अवर ट्रांसेंडेंस हैज बीन साइड ट्रैक, हिस्टोरिकली अगर हम देखें इतिहास में, तो हमारी जो ट्रांसेंडेंस है यानी कि श्रेष्ठता उन्नत की ओर जाने की जो हमारी जर्नी है वो साइड ट्रैक होके हम
हमने रास्ता पकड़ लिया है वायलेंस की और डीरेल्ड ऑल टुगेदर, हम पटरी से उतर गए। हमारे हमें जाना था ट्रांसेंडेंस की ओर, लेकिन हमारी गाड़ी पटरी से उतर कर वापस नीचे की ओर चली गई। बाय आवर प्रोजेक्शन ऑफ दीज ट्रांसेंडेंट पोटेंशियल्स रादर देन आवर डेवलपमेंट ऑफ देम, हम उसको डेवलप नहीं कर पाए। कैसे कैसे हमारी साइड ट्रैक हो गई, कैसे हम इस जर्नी में से नीचे उतर गए, तो हमने प्रोजेक्शन दिखाना चालू कर दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। अवर प्रोजेक्शन ऑफ दिस ट्रांसेंडेंट पोटेंशियल्स रादर देन अवर डेवलपमेंट ऑफ देम, हमने उसको डेवलप नहीं किया और हमने जो जो डेवलप नहीं किया उसकी प्रोजेक्शन दिखाना चालू कर दिए, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं बातचीत कर सकता हूँ भगवान के साथ। ऐसा हमने प्रोजेक्शन चालू किया, हिस्टोरिकली ऐसा होने लगा, ऐसा हम हिस्ट्री में देखते। वी प्रोजेक्ट व्हेन वी इंट्यूसिवली रिकॉग्नाइज अ पॉसिबिलिटी और टेंडेंसी विद इन अवर सेल्स, बट परसीव दिस एज अ मैनिफेस्टेशन और कैपेसिटी ऑफ सम पर्सन फोर्स और बींग आउटसाइड ऑफ अवर सेल्स। हमने प्रोजेक्ट किया व्हेन वी इंट्यूसिवली रिकॉग्नाइज अ पॉसिबिलिटी और टेंडेंसी विद इन अवर सेल्स, बट परसीव दिस एज अ मैनिफेस्टेशन और कैपेसिटी ऑफ सम पर्सन फोर्स और बींग आउटसाइड ऑफ अवर सेल्स। जब भी हमें हमने कब प्रोजेक्ट किया इस बात को, यानी कि दिखाने लगे, जब हमें अंदर से हमें मालूम पड़ गया कि ये जो पॉसिबिलिटी या टेंडेंसी है जो हमारे अंदर है, वो हमने परसीव किया कि दूसरों के अंदर भी है। जैसे हम जैसे लोग ही भी इस दुनिया में है, ऐसी कैपेसिटी वाले लोग हैं, तो हमने प्रोजेक्शन दिखाना चालू कर दिया। उसमें मैं भी आ गया हूं, हम सब ऐसा कर रहे हैं। तो आज अब से हम अपने 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 बारे में अवेयर होते जाएंगे कि हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि भाई मैं ये बुक रीड रीड की है और मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, इसको समझ सकता हूँ, फलाना फलाना, बराबर, ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। दिस इज अ प्रोजेक्शन। वी सीम इनवेरियबली टू प्रोजेक्ट इन टू ईच अदर अवर नेगेटिव टेंडेंसीज। वी सीम इनवेरियबली, हम चौकसता से हम इसको देखेंगे, टू प्रोजेक्ट इन टू ईच अदर अवर नेगेटिव टेंडेंसीज, हम हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज को दूसरों के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे। इफ इट वैरंट फॉर द लाइक्स ऑफ यू द गवर्नमेंट दोज पीपल, अगर हमें कुछ पता नहीं है, अगर वो हम जैसे नहीं है, तो फिर हम बातें करेंगे गवर्नमेंट ने ऐसे किया, ऐसे लोगों ने ऐसे किए, वो फलाना ढिकना, बराबर, ये नेगेटिव टेंडेंसीज हम प्रोजेक्ट करते रहेंगे। वाइल वी प्रोजेक्ट अवर ट्रांसेंडेंट पोटेंशियल्स ऑन टू प्रिंसिपालिटीज एंड पावर्स आउट देयर ऑन क्लाउड 9 और ऑन टू इक्वली नेबुलस साइंटिफिक लोज, जब भी हम किसी पर्सनालिटी में अपनी प्रोजेक्शन करते हैं, अपनी ट्रांसेंडेंट पोटेंशियल्स की प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो उसमें आ जाता है, वो नेगेटिव टेंडेंसी से वो उसके अंदर प्रोजेक्ट होना चालू हो जाती है। वो कैसे है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है। जैसा हम अंदर से बिलीव करने लगते हैं, वैसा प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, वैसा हमारा एनवायरनमेंट, हमारी दुनिया बनने लगती है। अगर हम दूसरों के अंदर, जैसे अगर सीधा सीधा इसका मीनिंग निकाले, तो हम अगर हमने दूसरों के अंदर एविल को देखा और उसको क्रिटिसाइज किया और उसको और बड़ा बनाया कि ऐसा है वैसा है, मुझे कुछ करना चाहिए, जो मेरे पिछले वीडियोस हैं, कुछ बुक के, तब मैंने बोला था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसका मुझे आंसर ढूंढना है, तो ये मुझे मिला आंसर कि
अगर मैंने दूसरों की एविल फ्रूट को, एविल बातों को बढ़ावा दिया, तो फिर वो एविल और बढ़ के मेरे सामने मौजूद होगा, तो हम इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसको हम क्रिएट किए जा रहे हैं। तो दुनिया कैसे चलने वाली? अगर मैं किसी, जैसे गवर्नमेंट में मुझे कुछ पसंद नहीं आए, तो मैं कैसी गवर्नमेंट पैदा कर रहा हूं? मैं अपने इर्द गिर्द जो गवर्नमेंट बना रहा हूं, वो कैसी होगी? वो वैसी होगी, उससे और खराब होगी। क्यों? क्योंकि क्या करना था हमारा हायर पर्पोज ऑफ लाइफ क्या था, ये उससे विपरीत होने लगा है। हमारा हायर पर्पोज था वो जैसा है वैसा है मेरा है। तो हमें सब कुछ एक्सेप्ट करके सरेंडर के साथ लाइफ को जीना था। फ्लोरेंस कोवल की बुक है गेम ऑफ लाइफ, आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें लॉ ऑफ सरेंडर के बारे में लिखा हुआ है। काफी ब्यूटीफुल बुक है, छोटी सी 60-65 पेज की बुक है, लेकिन काफी बेहतरीन बातें उसमें लिखी गई है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हम देख रहे हैं दूसरों के अंदर, या हम दिखा रहे हैं, वो बड़ा बनता जा रहा है। अगर हमने कुछ दिखाया तो दिखावा बड़ा होगा, यानी कि हमारी ज्ञान, हमारी ट्रांसेंडेंस रुक जाएगी और वापस नीचे की ओर चली जाएगी। तो ये बात मुझे पता चली अपने लाइफ को अंडरस्टैंड करते हुए कि ये बातें डॉक्टर हैरिंग, डॉक्टर सी हैरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग, होम्योपैथी के दिग्गज है, उन्होंने अपनी, हमारी जो क्रॉनिक डिजीज की बुक है, उनकी प्रीफेज में बात ये लिखी है उन्होंने कि एविल फ्रूट ही आएंगे। तो अगर अंदर कुछ गलत चल रहा है, तो बाहर जो फ्रूट निकलेंगे, यानी कि दुनिया में जो फ्रूट आएंगे, वो फ्रूट कैसे होंगे? एविल होंगे, क्योंकि अंदर एविल चल रहा है। तो यही बात हमें बताई जा रही है कि वी सीम इनवेरिएबली टू प्रोजेक्ट ऑन टू ईच अदर अवर नेगेटिव टेंडेंसीज व्हेन वी प्रोजेक्ट अवर ट्रांसेंडेंट पोटेंशियल्स ऑन टू प्रिंसिपालिटीज एंड पावर्स आउट देयर ऑन क्लाउड नाइन और ऑन टू इक्वली नेब्यूलियस साइंटिफिक लोस। चाहे हम किसी के भी बारे में अगर कुछ प्रोजेक्शन लगा दिया हमने, तो फिर उसमें उसमें और नेगेटिव टेंडेंसीज प्रोजेक्ट होगी, क्योंकि हमने कैसे चश्मे पहने? एविल के चश्मे पहने हैं। हमें हर जगह एविल दिखने लगेगा। अगर क्रिटिसिज्म देखने लगे, तो हमें हर जगह कुछ ना कुछ खामियां नजर आएगी। अगर हमने स्मॉलर के चश्मे पहने, तो हमें हर जगह से स्मॉलर महसूस होने लगे। तो ये हमारी बायोलॉजी है जो हमें इस तरीके से फील करवा रही है, दिखा रही है। द ट्रांसेंडेंस वी लॉन्ग फॉर देन सीम्स द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्सेस टू विच वी आर सब्जेक्ट। द ट्रांसेंडेंस वी लॉन्ग फॉर, ये ट्रांसेंडेंस जो श्रेष्ठता, उन्नतता हम जो चाहते थे, देन सिम्स द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्सेस टू विच वी आर प्रोजेक्ट। अब हमें वो श्रेष्ठता, वो उन्नत स्थिति, हम जो बल, जो पावर, जो ताकत हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई मैं ऐसा हूं वैसा हूं, हमें हमें वो श्रेष्ठता उसमें नजर आने लगी। बात यहां तक पहुंच गई अब कि हमें श्रेष्ठता क्या लगती है, कि जो हम पावर, जो जो इन्फ्लुएंस, जो हम दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस पावर में अब हमें श्रेष्ठता नजर आने लगी। श्रेष्ठ तभी हो जब हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब बात यहाँ पर आ गई, हिस्टोरिकली ये सब बातें चलते चलते अब हमारे पास आ गया कि पावर ही श्रेष्ठता है। अगर मेरे पीछे कुछ लोग खड़े ना हो, तो मैं निर्बल हूं, मेरे पास पावर नहीं है। हमने ये सीख लिया हिस्टोरिकली, हमने ट्रांसेंडेंस को किस तरीके से डिफाइन कर दिया कि ऐसा हो तो हमारी ट्रांसेंडेंस हो गई, मैं श्रेष्ठ बन गया हूं।
ट्रांसेंडेंस, लेकिन मेरे गुरु ऐसा नहीं सिखाते। मेरे गुरु डॉक्टर दीदार सिंह सर हमेशा हमें ये समझाते कि भाई क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने सही क्वालिटी में ज्ञान दिया, बच्चों को पढ़ाया, और थोड़े ही बच्चे होम्योपैथी करने लगे तो वो ह्यूमैनिटी, सफरिंग ह्यूमैनिटी को कुछ अच्छा करके जाएंगे इस दुनिया से। लाइक रडार और प्रोजेक्शंस बाउंस बैक, रडार की तरह हमारे प्रोजेक्शंस वापस हमारी ही तरफ आने वाले हैं। ऑन अस एज पावर्स वी मस्ट ट्राई टू प्लैकेट अनहीडेड अवर स्ट्रगल्स अगेंस्ट सॉरी वी मस्ट ट्राई टू प्लैकेट और विथ विच वी मस्ट स्ट्रगल। तो जो पावर हमने दिखाया, जो हमने प्रोजेक्शन बाहर दिखाया, वो हमारी ही तरफ आएगा, बाउंस बैक करके आएगा हमारे ऊपर, क्योंकि यही तो लॉ है पावर का, कि शक्ति न्यूटोनियन जो नियम है, न्यूटोनियन लॉ 3 जो तीसरा नियम है, कि जितनी जोर से जाएगा उतनी जोर से वापस आएगा। ऐसे ही है ये पावर्स वी मस्ट ट्राई टू प्लेकेट, जो हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, द पावर जिस ताकत से हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही ताकत से हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतनी ही हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पेरेनियली अवर आइडियाज टू क्लाउड 9 गो अनहीडेड, पेरेनियली यानी कि कायमी, पेरेनियली यानी हमेशा, पेरेनियली अवर प्लियास टू क्लाउड 9 गो अनहीडेड। चाहे हर रोज हम कितनी भी दलील, प्लियास मीन्स दलील करना, कितनी भी दलीलबाजी कर ले कि बिना बिना सोचे समझे लोग इस क्लाउड 9 को समझ ले। अवर स्ट्रगल्स अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज एंड पावर्स आर इन वेन, हमारी स्ट्रगल जो हमारे हमारे प्रिंसिपलिटीज यानी कि राज, जो हमारे राज है, सीक्रेट्स है, और हमारी जो ताकत है, वो सब निरर्थक रह जाएगी स्ट्रगल करने में, दूसरों को मनाने में। अब बात समझ में थोड़ी थोड़ी आई गया। एंड वी वॉन्डर इन अ सेल्फ मेड हॉल ऑफ मिरर्स, हम इस जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारी दुनिया है वो हमारे आईने हैं, हम उसमें खो जाएंगे, उसमें भटकते रहेंगे, कहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, कहीं से रास्ता निकाल लो, लेकिन रास्ता तो अंदर क्लियर होने से होगा। एंड वी वॉन्डर इन सेल्फ मेड हॉल ऑफ मिरर्स ओवरवेल्म्ड बाई इनएसेसिबल रिफ्लेक्शंस ऑफ अवर ओन माइंड, हम उस हमारी जो हम उस रिफ्लेक्शन में खो जाएंगे, इनएसेसिबल हो जाएंगे, यानी कि उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो हमारे ही माइंड की प्रतिकृति है। वहां जाओ तो मैं स्मॉलर ना फील करूं, वहां जाओ तो मैं बड़ा बन जाऊं, ऐसा बन जाओ, वैसा बन जाओ, लेकिन हम बाहरी तरीकों से कैसे बड़े बन सकते हैं, जब अंदर स्मॉलर ही हो, अंदर पॉवर्टी हो, अंदर अंदर निम्न फीलिंग हो, तो हम बाहर कुछ भी खड़ा कर ले, लेकिन हमें तो वही संकुचितता महसूस होगी कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होने वाला। हम इसमें खो जाएंगे, हम अपने आप को नहीं ढूंढ पाएंगे। हैंडेड डाउन थ्रू मिलेनिया, तो ये जो करवाता है वो हमारा मंकी माइंड है, आगे जाके हम इसको समझेंगे क्या है ये। हैंडेड डाउन थ्रू मिलेनिया, इस मिलेनिया हजारों सालों के बाद हमारे पास जो हाथ में आया है, अवर माइथिकल एंड रिलीजियस प्रोजेक्शंस टेक ऑन अ लाइफ ऑफ देयर ओन एज द कल्चरल काउंटरफेट्स ऑफ ट्रांसेंडेंस, हमारे हाथ में जो आया मिलेनिया से चलते हुए हजारों प्रोजेनी से, हजारों जन्मों के बाद हमारे पास जो आया, यानी कि हमारे पूर्वजों से जो होते गुजरते
हमारे पास जो आया, हमारे पास अब जो है, हाथ में जो है, वो है अवर माइथिकल एंड रिलीजियस प्रोजेक्ट्स, हमारे रहस्यमय और या फिर हमारे सिर्फ बिलीफ्स है, गलत मान्यताएं, मिथिकल्स, मिथिक्स, माइथिकल्स एंड रिलीजियस प्रोजेक्शंस टेक ऑन अ लाइफ ऑफ देयर ओन। उनकी लाइफ को इन सब ने ले लिया, हमारी गलत मान्यताएं और रिलीजियस प्रोजेक्शंस ने उनके जीवन को छीन लिया। ऐसा जीवन हमारे पास आया, एज द कैसे छीन लिया, किस तरीके से? तो कल्चरल काउंटरफेट्स ऑफ ट्रांसेंडेंस, श्रेष्ठता की एक नकली, काउंटरफेट्स मीन्स नकली, नकली कल्चर की, कल्चर के तरीके से इस रिलीजियस प्रोजेक्शंस ने, माइथिकल प्रोजेक्शंस ने उसकी लाइफ को खींच लिया। कि जैसे अगर शीशा टूटा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिल्क नीचे गिर गया तो काफी बुरी बात होगी, बिल्ली ने रास्ता काटा तो बुरी बात हो जाएगी, बुरी घटनाएं होगी। ये सब माइथिकल प्रोजेक्शन से जो हमारे पास आया हुआ है, बरसों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो अब होते होते हमारे पास ऐसा आ गया। अब और हम ये समझते हैं कि हमने कुछ श्रेष्ठ स्थिति को, उन्नत स्थिति को, ईश्वर को, उस ईश्वर की एक मूर्ति सामने बिठा के उसको रोज नहलाओ नहलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसके आगे खाना रखो, ऐसा करके उसके सामने उसकी धूप बत्ती करो, तो वो हम श्रेष्ठ है, महान है, ऐसा हमने हमने पेरियो से गुजरते हुए जो हमारे पास आया है वो यही ज्ञान है कि ईश्वर की मूर्ति को सामने बिठा के उसको नहलाओ, उसको कपड़ा पहनाओ, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाओ, और हम उसकी धूप बत्ती करें, उसके आगे खाना रखें, चाहे हमारे बच्चे भले ही उस खाने से वंचित रह जाए, ऐसा खाना हम उसके आगे रखते हैं और हम समझते हैं कि हम तो श्रेष्ठ हो गए, हम उन्नत स्थिति की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम क्या ये उन्नत स्थिति की ओर है? हमें यही अपने आप को पूछते रहना। अगर हमें ट्रांसेंडेंस करना है, अपने लाइफ को ट्रांसेंडेंस की पटरी पे लाना है, तो ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जो आपको तकलीफ दे सकते। तो थैंक यू टू माय पेरेंट्स, मेरी पीढ़ी जो पीछे चली थी, उन्होंने काफी दुख झेला, उनकी वजह से हम सब की पीढ़ियों ने कुछ न कुछ काफी डीप पेन झेला हुआ है, तभी हम इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू टू अवर पेरेंट्स, अवर ग्रैंड पेरेंट्स, अवर अवर पास्ट प्रोजिनी, उनकी वजह से, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि नो पेन नो गेन। तो आज हम कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ भले 1% कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, तो वो उनकी बदौलत है, उनके पेन की बदौलत, क्योंकि हमारे जीन में वो स्टिमुलेशन आया कि हम कुछ इस पार्ट को खोले और समझे, तो वो उस उनकी बदौलत है, उनके पेन की बदौलत हम आज सीख रहे हैं, कुछ पा रहे हैं। अगर अगर इसमें कुछ है, अगर हमने कुछ सीखा, तो वो उसके लिए पहले हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अपने पूर्वज की ओर। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू दिस मास्टर जोसेफ चिल्टन पियर्स, थैंक यू ऑल हिज को-वर्कर्स ऑफ दिस बुक। कल्चर हैज बीन डिफाइंड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ लर्न्ड सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज पास्ड ऑन टू अवर यंग थ्रू टीचिंग एंड मॉडलिंग। कल्चर किस किसको डिफाइन कैसे डिफाइन किया जा सकता? कल्चर हैज बीन डिफाइंड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स मानव शास्त्री, मानव शास्त्री के द्वारा कैसे डिफाइन किया गया? एज अ कलेक्शन ऑफ लर्न्ड सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज, सर्वाइवल की स्ट्रेटेजीज, जिसको हमने सीखा कि अगर संसार में हमें
इस समाज में रहना है तो हमने कुछ सीखा है, सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी सीख ली है कि हमें रोज धूपबत्ती करनी है, भगवान को अपने घर के अंदर बिठाना है, उसकी मूर्त को बिठाना है, नहीं बिठाएंगे तो भगवान हमें हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा हम मान रहे हैं। ये हमारी मिथिक्स माइथिकल प्रोजेक्शन है जो हमारे अंदर आए हुए हैं। तो कुछ रिलीजियस प्रोजेक्शन अभी भी है, अगर हम उसे उससे न छूट पाए, इस बुक के अंत में भी हम उससे न छूट पाए, तो हमें उसको स्वीकार कर लेना और बिना कोई भाव हमें उसको करते रहना, तो धीरे धीरे हो सकता है छूट जाए, क्योंकि सब कुछ हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने से ही वो छूटने वाला है। तो मैंने अपने अनट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया और मेरी जर्नी ट्रुथ की ओर आगे बढ़ गई। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जिससे मैंने अपने अनट्रुथ को एक्सेप्ट किया और अनट्रुथ से अब मेरी जर्नी ट्रुथ की ओर आगे बढ़ गई है। चाहे कोई किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन ये बात है जो सच है। तो कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ लर्न्ड सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज पास्ड ऑन टू अवर यंग, हमारे नौजवान यानी कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में भी ये पास्ड ऑन हो चुका है, ये स्ट्रेटेजीज थ्रू टीचिंग एंड मॉडलिंग। कैसे ट्रांसेंडेंस हुई ये जर्नी, ये जो श्रेष्ठता है, ये हमारे नेक्स्ट प्रोजेनी में कैसे आई या हम में कैसे आई अपने पेरेंट्स से, तो वो टीचिंग के थ्रू और मॉडलिंग के थ्रू। मॉडलिंग यानी कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो अपनी लाइफ में कैसे बिहेव किया है उन्होंने, और उस तरीके से हमने अपने आप को रीमॉडल किया हुआ। तो मॉडलिंग और टीचिंग, हमें जो पढ़ाया गया उससे हमने ये सीख लिया कि इस संसार में, इस समाज में रहना हो, संसार की जगह इस समाज में जिंदा रहना है, तो फिर हमें ऐसा सर्वाइवल मोड अपनाना होगा, ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। तो ये कलेक्शन है, इसको कहते हैं कल्चर। कल्चर यानी ये एक समाज का पार्ट होता है, तो समाज में टिके रहना है तो फिर ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। द फॉलोइंग चैप्टर्स यानी कि जैसे अभी आठम आएगी या फिर अभी गणेश चौथ आएगी, तो यानी कि गणपति जी का जन्मदिवस, एक्चुअल जन्मदिन वो जब आएगा, तब लोग हमारे जो समाज में क्या होता है कि वो लड्डू बनाएंगे और गेहूं के लोट के लड्डू बनते, उस उनको उसमें से वो लड्डू बनाएंगे और गणपति जी की जो मूर्ति है उनके आगे रखेंगे, उनकी धूपबत्ती करेंगे, एक अलग से दीपक जलाएंगे, उसका पानी रखेंगे बराबर, और फिर उसको वापस उठा लेंगे और फिर खुद खा जाएंगे। तो ये भगवान ने कहाँ खाया? और दूसरी बात यह है कि जब हम खाते हैं तो भगवान ही खाते हैं, ये भी बात सच है स्पिरिचुअलिटी में। तो ये हम सब, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोग लोग बोलेंगे कि तू तू तुझे तो कुछ आता नहीं है, तू तो नास्तिक है। आठम आएगी तो हमें अपने घर के बाहर वो केल के जो पान आते हैं उसको हमें लगाना होगा, लीव्स आते के बनाना के लीव्स उसको बाहर लगाना होगा, और फिर साथ में आसो पालो भी लगाना होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो, नहीं लगाएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये तो नास्तिक है, ये तो मानता भी नहीं, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाता भी नहीं है। तो ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज है जो हम सब ने अपनाई हुई है, इसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये कर लेना चाहिए बिना कुछ सवाल पूछे। लेकिन जो दूसरी स्ट्रेटेजीज है, क्योंकि इसको बदलने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये बरसों से चली आ रही परंपरा है, इसको डायरेक्ट हम हटा नहीं सकते, इसको एक्सेप्ट कर लें। जैसे जैसे जर्नी हमारी इस बुक के आगे बढ़ेगी, हम काफी कुछ चीजें सीखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं।
हमें पहले क्या करना है, हमें अपने खुद के इनर सेल्फ को ट्रांसेंडेंट की जर्नी में ले आना है। आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिक उसके साथ परिवर्तित होगा, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। सो पिंडे सो ब्रह्मांडे, गुरबानी में लिखा है सो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो अंदर है वही बाहर है। जो पिंड में है, पिंड यानी शरीर, जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति खराब भाव होगा तो मेरे इर्द गिर्द वैसी घटनाएं बनेगी जो मुझे खराब महसूस करवा। अगर मेरे अंदर सही भाव होगा, यानी कि दूसरों के लिए मैं अच्छा सोचता हूं, तो मेरे इर्द गिर्द ऐसा संसार बनेगा जो मेरी केयर करे, जो मेरा अच्छा सोचे। और मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऐसा क्रिएशन भी किया हुआ है कि मेरे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरी केयर कर रहे हैं, मेरा ध्यान रख। और जो लोग नहीं केयर करते थे, ध्यान नहीं रखते थे, वैसे लोग ऑटोमेटिकली मेरी दुनिया से एक घटना बनी और उससे वो बाहर हो गई। द फॉलोइंग चैप्टर्स विल एक्सप्लोर हाउ कल्चर इज अ बॉडी ऑफ लर्न सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज शेप्स अवर बायोलॉजी एंड हाउ बायोलॉजी इन टर्न शेप्स अवर कल्चर। आगे के चैप्टर्स में हम समझेंगे कैसी हमारी कल्चर हमारी बायोलॉजी को, हमारी बॉडी को, हमारे शेप्स को क्रिएट कर रही है, और कैसे हमारी बायोलॉजी हमारे कल्चर को क्रिएट कर रही है। तो ये चक्रव्यूह है बायोलॉजी एज वेल एज कल्चर का, जो बायोलॉजी कल्चर को जन्म दे रही है, कल्चर बायोलॉजी को जन्म दे रही है, बायोलॉजी कल्चर को, कल्चर बायोलॉजी। तो ये चलता ही रहेगा। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में जो ये चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं कि इंसान इस चक्र में फंस जाता है जन्म मरण के, वो इसी तरीके का चक्र है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्लॉक एज सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज फॉर अवर माइंड्स और साउल्स आर द स्यूडो सेक्रेड हैंडमेडन्स ऑफ कल्चर ब्रॉट अबाउट थ्रू अवर प्रोजेक्शंस ऑफ द ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर नेचर। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो ये सब धार्मिक इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं है, क्लॉक्ड एज सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज फॉर अवर माइंड्स और साउल्स, हमारी आत्मा या हमारे मन के लिए ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस आर द श्यूडो सेक्रेड हैंडमेडन्स ऑफ कल्चर, हमारे कल्चर की ये एक गलत धार्मिक दासियों की तरह है। गलत श्यूडो, श्यूडो यानी गलत, गलत सेक्रेड यानी कि धार्मिक, हैंडमेडन्स यानी कि दासियां। तो ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से वो गलत धार्मिक दासिया की तरह है, कल्चर की गलत धार्मिक दासिया। ब्रॉट अबाउट थ्रू अवर प्रोजेक्शंस ऑफ ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर नेचर, हमारे नेचर के जरिए वो हमारी तरफ लाई जाती है। नेचर में क्या ट्रांसेंडेंट करती है, गलत उस हमारे प्रोजेक्शंस के जरिए वो हमारे कल्चर में आ रही है। Thus, this trinity of myth, religion, and culture is both the cause and source of our projections. तो ये जो ट्रिनिटी है, ये जो तीन चीजें, मिथ यानी कि हमारी मान्यता, रिलीजियन धर्म, एंड कल्चर यानी कि हमारे समाज, सामाजिक रीति रिवाज, इज बोथ द कोज एंड सोर्स ऑफ अवर प्रोजेक्शन। ये दोनों ही है, हमारी प्रोजेक्शन के सोर्स भी है और उसके कारण भी वही है। ये दोनों, ये तीनों चीज उसी का पार्ट है। ईच एलिमेंट ऑफ द ट्राइनिटी ब्रिंग्स द अदर थिंग अदर इन टू बींग एंड ऑल थ्री इंटरलॉकिंग फिनोमिना। ये जो एलिमेंट है ट्रिनिटी का, ये लाता है, क्या लाता है, द अदर इन टू बींग।
एक दूसरे को अमल में लाते रहता है। मिथ रिलीजन को जन्म दे रहा है, रिलीजन कल्चर को जन्म दे रहा है, कल्चर मिथ को जन्म दे रहा है, मिथ कल्चर को जन्म दे रहा है, कल्चर रिलीजन को जन्म दे रहा है, रिलीजन मिथ को जन्म दे रहा है। ये ट्रिनिटी जो पार्ट है, ट्रिनिटी का पार्ट, वो एक दूसरे को लाता है हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा। एंड ऑल थ्री इंटरलॉकिंग फिनोमेना एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग है। मिथ रिलीजन कल्चर आर सस्टेन्ड बाय वायलेंस दे जनरेट विद इन अस। ये कैसे सस्टेन हो पा रहा है? तो वो वायलेंस क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर जिससे वो जीवित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मिथ रिलीजन एंड कल्चर जो हमें दिख रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो मिथ है हमारी, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर का पार्ट है। उसी से, उसी की एनर्जी से बने हुए हर एक चीज, अच्छा बुरा गलत सही बेहतर और निम्न कक्षा का देव दानव, ये सब कुछ उसी का बना हुआ पार्ट है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान उसी के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं कि ये सब विभूतियां मेरी है, चाहे देव हो या दानव हो, चाहे आ, आ, सच हो या झूठ हो, चाहे सबसे अच्छी चीज इस दुनिया में, सब कुछ मेरी है, सबसे खराब चीज वो भी मेरी प्रकृति से बनी हुई चीज है। तो जो गैम्बलिंग करते उसका गैम्बल भी मैं हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो गैम्बलिंग करते हैं उसका गैम्बल भी मैं हूं, और जो जो डिसीव करते हैं उसकी उसकी उसका डिसीटफुल ज्ञान भी मैं ही हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो सब कुछ वही है। ये सब कुछ उसी की इच्छा से बना हुआ संसार है। उसी की कॉन्शियसनेस से बनी हुई हर एक चीज, हर एक कॉन्शियसनेस है। तो फिर हम किसी को एविल गलत या वो खराब है, ऐसा है वैसा है, हम कैसे मान सकते हैं? हमें उस वापस उस प्रोजेक्शंस में नहीं जाना है कि वो ऐसा है ये ऐसा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने गुरु के साथ इसके बारे में बात की थी कि भाई वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन में मेरे अंदर से ये आया है कि ये सब तो एविल हमें थॉट दे रहा है कि वो ऐसा है ये ऐसा है, हमें एविल फ्रूट नहीं चाहिए। तो फिर हमें इन सब को हटाना होगा और सच को देखना होगा कि सच यही है, ट्रुथ यही है। मेरे गुरु ने जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं बनी, जब तब मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बोली कि आप ट्रुथ को साथ में रखो, इसको छोड़ना नहीं है। तो यही ट्रूथ है, यही सच को मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ, बीच में कुछ वापस वो पुराना ख्याल वापस आ गए तो मैंने गुरु से बात की, तो वापस एक एक कहते हैं ना कि जब भी हम गुरु के पास तकलीफ को लेके जाते हैं, जो सच्चे गुरु है वो हमारी तकलीफ को दूर करते हैं। तो उन्होंने गाइडेंस दिया कि आप पहले अंदर से क्लियर हो जाओ। तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में मैंने ये बात पकड़ ली है कि वो सच को, जो पहली बात उन्होंने मुझे बोली थी वही बात दिमाग में है कि सच, गुरु ने बोला है कि सच को पकड़े रखना। तो सच क्या है? सच यही है कि ये सब चीजें जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो जैसे पीछे मेरे पीछे दीवार को देख रहे हैं, फिर पोस्टर को देख रहे हैं हनुमान सर के, उन सब वो सब चीजें, ये सब चीजें मेरे इर्द गिर्द जो है, जो चाहे व्यक्ति है, वस्तुएं है, प्राणियां है, एनिमल्स बर्ड्स, ये सब कुछ ईश्वर की बनाई हुई विभूतियां है। वो सब ईश्वर से बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ईश्वर हो या ना हो एक दूसरे नंबर की बात है, लेकिन वो सब ईश्वर के अंदर है। तो उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस है। अभी वो किस कॉन्शियसनेस में है वो काफी डिफरेंट है, बात डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर वो चिंगारी है जिससे हम सब चल रहे हैं, वो चिंगारी हम सब के अंदर।
गुरबानी में लिखा है तू ही मोहि अंतर केस। तो यानी कि जो बाहर मुझे एविल दिख रहा है, गलत कुछ दिख रहा है, तो सबसे पहले कहाँ हो गया वो, मेरे अंदर विद्यमान है। तो पहले मुझे अपने आप को एविल से आगे ले जाना होगा, तब जाके बात बनेगी, तब जाके मैं जो चाहता हूँ, जो मैं अच्छा चाहता हूँ, जो मैं ट्रांसेंडेंस श्रेष्ठता चाहता हूँ होम्योपैथी में, वो तब बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे जरूरत नहीं है बाहर किसी को कुछ कहने की, अब मुझे इस श्रेष्ठता की जर्नी में खुद को आगे ले जाना है। अगर मैं ट्रांसेंडेंट हो गया तो मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो ट्रांसेंडेंट हो जाएगी। हो सकता है कुछ नए चेहरे आए जो जो मेरी इस ट्रांसेंडेंस की जर्नी में आगे बढ़ जाए। तो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सब लोग सही है अपनी जगह पे, वो उस जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ गलत है। अब ये बात मुझे, इतनी बात मुझे अभी तक समझ में आई है कि सब सही है अपनी जगह पे, सिर्फ कॉन्शियसनेस की एक हम कह सकते हैं कि हम देखने का नजरिया अलग-अलग है। तो अब मैं अंदर से इतना क्लियर हुआ, और भी क्लियरिटी आएगी हो सकता है आगे जाके, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है और ईश्वर की उस परमात्मा का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। तो और क्लियरिटी लाइफ के प्रति आ जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और मैं उसके लिए तैयार भी। तो इसके साथ आज हम हमारी जर्नी को यहाँ पर स्थगित करेंगे। काफी पहले शुरू शुरू में स्लो, हम हमें लगेगा कि काफी स्लो जा रहे हैं, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इंट्रोडक्शन की बातें। फिर आगे जाके हम और इसको फास्ट कर सकेंगे, क्योंकि तब तक आपको कुछ अंग्रेजी मालूम पड़ गया होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये इस सेंटेंसेस में क्या कहना चाहते। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल फिर से इसी टाइम पे हम मुलाकात करेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू ऑल।